हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 को कंपेयर करने वाला हूँ मीडियाटेक के डिमेंसिटी 6300 के साथ। और मैं इन दोनों चिपसेट्स को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों चिपसेट के साथ जो इंडियन मार्केट में जो मोबाइल्स आ रहे हैं वो अराउंड 10 to 13,000-14,000 के प्राइस ब्रैकेट पे आ रहे हैं। तो लोग कन्फ्यूज है कि किस चिपसेट के साथ जो है वो उनको जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा परफॉर्मेंस वाइज। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 से। तो इस चिपसेट में आपको 2x2.2 GHz पे कॉर्टेक्स A78 एंड 6x2 GHz पे कॉर्टेक्स A55 मिलता है आर्किटेक्चर। एंड डिमेंसिटी 6300 में आपको 2x2.4 GHz पे कॉर्टेक्स A76 एंड 6x2 GHz पे कॉर्टेक्स A55 मिलता है। दोनों ही में आपको 8 कोर्स मिल जाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है चिपसेट का वो आपको 22 MHz का फ्रीक्वेंसी मिलता है स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में। एंड डिमेंसिटी 6300 में आपको 2400 MHz का। यहाँ पे जो साइज है वो आपको स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में आपको 4 नैनोमीटर मिलता है, डिमेंसिटी 6300 में 6 नैनोमीटर। स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में आपको एड्रीनो 613 मिलता है GPU एंड डिमेंसिटी 6300 में माली G57 MP2 GPU मिलता है। GPU आर्किटेक्चर आपको स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में 955 MHz का मिलता है एंड डिमेंसिटी 6300 में आपको 1072 MHz का। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में आपको LPDDR5 का मेमोरी टाइप मिलता है एंड डिमेंसिटी 6300 में आपको LPDDR4X का मेमोरी टाइप। यहाँ पे मेमोरी फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में आपको 3200 MHz का मेमोरी फ्रीक्वेंसी मिलता है एंड डिमेंसिटी 6300 में आपको 2133 MHz का। दोनों ही में आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है, दोनों ही में आपको वाईफाई 5 मिलता है। स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में ब्लूटूथ 5.1 मिलता है एंड डिमेंसिटी 6300 में ब्लूटूथ 5.2। सो गाइस, यहाँ पे ये तो हो गए इसके चिपसेट्स के जो स्पेक्स है उनमें कंपैरिजन। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसको परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर किया जाए तो क्या क्या परफॉर्मेंसेज में आपको लैग करते हुए दिखते हैं चिपसेट्स में। तो सबसे पहले आता है CPU परफॉर्मेंस। तो CPU परफॉर्मेंस में आपको स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है 37% का एंड डिमेंसिटी 6300 जो है वो 34%। गेमिंग पे आते हैं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 जो है वो 17% दे रहा है एंड डिमेंसिटी 6300 22%। बैटरी लाइफ पे आते हैं तो 91 पे रहता है स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 एंड डिमेंसिटी 6300 जो है वो 87% पे। यहाँ पे नैनो रिव्यू स्कोर पे आते हैं तो स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 जो है वो 41% पे है एंड 39% पे है डिमेंसिटी 6300। एंटूटू स्कोर पे आते हैं तो यहाँ पे डिमेंसिटी 6300 बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है एंड गीकबेंच पे आते हैं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4 जेन 2। सो गाइस, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है वो स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में मिल रहा है सीपीयू परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे मीडियाटेक का डिमेंसिटी 6300 बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो गेमिंग आपको उसमें मिलता है बेहतरीन और जो सीपीयू परफॉर्मेंस है वो आपको स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 में। सो गाइस, दोनों ही जो है अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन है। बट मेरा मानना है कि अगर मुझे अगर एक चिपसेट के साथ फ़ोन परचेज करना हो तो मैं यहाँ पे जाता डिमेंसिटी 6300 के साथ इन कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 4 जेन 2। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।